सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मोटोरोला ने आज इंडिया में अपना खुद का 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो अफोर्डेबल रेंज का देखने को मिल जाता है। ये एक G सीरीज का स्मार्टफोन है जिसका नाम है मोटो G5G। ये बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में अच्छी प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और बता दें, ये पहला फोन होगा जिसमें आपको 750G का प्रोसेसर के साथ में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। हालांकि ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका था, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया में ये स्मार्टफोन ऑफिशियली देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की, पहले डिस्प्ले की। तो मोटो G5G में आपको देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रिजल्ट के साथ में आपको IPS एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और HDR10 का आपको एक सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बता दें, यहाँ पे आपको जो पीछे की तरफ जो बॉडी मिलती है वो प्लास्टिक यानी कि पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको मजबूत है, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में कोई भी यहाँ पे शिकायत देखने को नहीं मिलती, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है इस मोटो G5G में। लेकिन यहाँ पे मेन फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 8 नैनोमीटर बेस रेंज में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.2 GHz पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रेनो का 690 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अच्छी खासी तगड़ी वाली देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 700 सीरीज का ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि ये प्रोसेसर आपको 730G और 765G के बीच का ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है और इसका अंतुतु बेंचमार्क स्कोर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 3 लाख के पार यहाँ पे इसका स्कोर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और ऑफिशियली ये आपको 5G अनेबल आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो आपको इनबिल्ट 5G भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। यहाँ पे आपको सिंगल वेरियंट इंडिया में देखने को मिल जाता है, 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, UFS2.1 की स्टोरेज और LPDDR4x वाली आपको रैम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको स्लॉट तो मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1TB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मेमोरी कार्ड ऑप्शन भी आपको ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको एक्सपेंशन ऑप्शन का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा, तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जो आपको बता दें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि इसकी जगह आप डेप्थ सेंसिंग कैमरा दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे ठीक है, आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिशन देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की, 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो आपको जो रियर कैमरा है वो आपको नॉर्मल जो टिपिकल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है वैसा वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ज्यादा यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मली जनरली जो स्मार्टफोन आते हैं वो 15,000 की रेंज में, तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का लेंस यहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको टिपिकल आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें पंचोल सेल्फी है। मैंने पहले ही बताया कि पंचोल डिस्प्ले के साथ में आता है और यहाँ पे आपको F2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी कैमरा के मामले में भी यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो सेल्फी है वो भी आपको डिसेंट वाली हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो कैमरा सेटअप आता है उसमें भी आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताते हैं आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपको बता दें जो प्राइस है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बता दें इसमें आपको 20W का आपको टर्बो पावर चार्जिंग का एडेप्टर यानी कि इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर है कोई भी एड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। आप सबको पता ही होगा कि जो मोटोरोला के फोन आते हैं वो सारे के सारे आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में ही देखने को मिलता है और कोई भी ब्लोटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत ही अच्छा है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएंगे इसमें आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
ड्यूअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को नहीं मिलता, यही एक फर्क है, बाकी कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे बाकी जो फीचर्स आपको चाहिए नॉर्मली वो सारे फीचर्स यहाँ कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कलर ब्रांड और प्राइस की, यहाँ पे आपको इंडिया में दो अलग अलग कलर ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, एक सिल्वर और ग्रे। कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छे खासे हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे सिंगल वेरिएंट मिलता है, तो इसमें आपको 20,999 रुपीज यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 7 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करो तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है मोटोरोला की तरफ से ना मोटो जी 5G। हालांकि ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है और यहाँ बता जाएगा मोटोरोला 1 फ्यूजन के बाद से आपको ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको ये 5G वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और इंडिया का ये अफोर्डेबल रेंज का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इस प्राइस में आपको कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती जो इस प्राइस में आपको 5G ऑफर कर सके। हालांकि जो चाइना में लॉन्च हुआ है रेडमी नोट 9 प्रो, हालांकि कह सकते हैं कि इंडिया में रेडमी नोट 10 के साथ आ सकता है शायद, जो इसका भी प्रोसेसर आपको 750G देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको चाइना में ही देखने को मिलता है। इंडिया में अभी तक क्या आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको इकलौता ये स्मार्टफोन बन जाता है जिसका आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तब देखते हैं कि इसकी कंपैरिजन में कौन सी कंपनी आती है इस प्रोसेसर के साथ में। हालांकि जो बाकी की जो स्पेक्स है वो तो आपको नॉर्मली जो सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, यहाँ पे जो एक ही जो एक फर्क है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा आगे निकल जाता है और प्रोसेसर के मुकाबले आपको जो स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है वो भी आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मोटोरोला का मोटो 5G कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ऐसी जो वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।